नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं वार्षिक वलय के बारे में। वार्षिक वलय क्या होता है? हुए तने को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने साल पुराना है। कि वार्षिक वलय क्या होता है, तो चलिए समझते हैं कि वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग क्या होती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। देखिए, इस टाइप के एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि तने को जब कटा हुआ हिस्सा रहता है, तो इसमें आप इसको देख करके कैसे अनुभव लगा सकते हैं कि इसमें ये कितने वर्ष पुराना है। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए छोटी छोटी रिंग्स जो इसमें दिखाई दे रही हैं, ये लाइनिंग, ये पतली पतली लाइनें जो है आपको दिखाई दे रही। तो ये पौधे का काष्ठीय जो पौधे होते हैं उसके कटे हुए तने का हिस्सा है। इसमें आप छोटी छोटी लाइनों को देख सकते हैं, तो इन्हीं लाइनों को गिन करके पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़। तो चलिए देखते हैं बेसिक से एक तने के कटे हुए हिस्से में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये क्या है। देखिए, सबसे जो बाहरी परत है जिसको आप छिलका कह सकते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे जो लेयर ऑफ पेरिडर्म है, ये सबसे बाहरी परत होती है जिसको हम छिलका कहा जाता है। और छिलके में ही दो चीज़ें होती हैं, एक है सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर भी होती है और वैस्कुलर कैम्बियम। ये जो रेड वाली लेयर है ये क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम है। और इसमें देखिए जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम ही क्या करता है कि ये वार्षिक वलय का निर्माण करता है। तो सेकेंडरी जाइलम में दो टाइप की कोशिकाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक हार्ड वुड, जैसे इस फिगर में हमने दिखाया था, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कलर थोड़ा सा गाढ़ा है। इतने दूर का कलर गाढ़ा है और यहाँ से यहाँ तक का जो कलर है वो उतना गाढ़ा नहीं है, जबकि ये हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा ज़्यादा गाढ़ा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गाढ़ा हिस्सा होता है वो हार्ड वुड होती है, ठीक ना, और जो हल्का हिस्सा होता है वो सैपवुड होती है। तो एक्चुअल में इन दोनों को मिला के सेकेंडरी जाइलम ही कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका वैस्कुलर रे है और ग्रोविंग रिंग्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक दूसरे फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं। पेरिडर्म है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये क्या है? पेरिडर्म। हम थोड़ा सा इसके बाद देख रहे हैं हम कि ये एनुअल जो ये लाइनिंग आपको दिख रही हैं छोटी छोटी, ये लाइनें क्या दर्शा रही हैं कि एनुअल ग्रोथ लेयर है। अब देखिए, इसमें जो कार्क कैम्बियम है यहाँ पे, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम में जो भोज्य पदार्थों का सम्मान होता है, और ये वैस्कुलर कैम्बियम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीच में जो बिल्कुल गाढ़े कलर में है ये प्राइमरी जाइलम को शो कराया गया है। और इसके बाद जो हिस्सा है ये क्या है? सेकेंडरी जाइलम का है। और यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम ये हिस्सा है। तो देखिए, एक्चुअल में अब हम इतना तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक पौधे के तने में क्या क्या संरचनाएं होती हैं। अब ये समझ लेते हैं कि वार्षिक वलय एक्चुअल में होता क्या है, जिस पे हमने मेन जो हमारा टॉपिक है ये वार्षिक वलय होता क्या है। तो वार्षिक वलय एक्चुअल में क्या है, जैसे जब बसंत ऋतु जिसे ये कह सकते हैं कि जब शरद ऋतु आती है, तो पौधों के जो तनों की जो मोटाई में जो वृद्धि होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। शरद ऋतु आने की वजह से जो पौधों की मोटाई में शरद ऋतु आने की वजह से पौधों की जो मोटाई में वृद्धि होती है वो कम होने लगती है। अब कम होने की वजह से जो कोशिकाओं की साइज होती है वो बिल्कुल छोटी रह जाती है। तो देखिए, यहाँ पे जो गाढ़े कलर की लाइन आप देख रहे हैं वो यही संरचनाएं हैं कि जब
कोशिकाओं की साइज छोटी रहती है, मतलब कि वो ज़्यादा बड़ी होकर के नहीं वृद्धि करती हैं। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु जैसे ही वसंत ऋतु आती है, यानी कि ऑटम सीजन जैसे ही आता है, वैसे ही भोजन की सप्लाई बढ़ जाती है। और तेज़ी से जब भोजन मिलने लगता है तो इन कोशिकाओं में तेज़ी से वृद्धि भी होती है। तो जब तेज़ी से कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो इनकी जो साइज़ होती है कोशिकाओं की, वो साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब बड़ी हो जाने की वजह से, कोशिकाओं की साइज बड़ी हो जाने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो देखिए ये विरल दिखाई देती हैं। तो जो विरल होने, अब एक सघन लाइन और एक विरल लाइन, इस तरह से दो लाइन बन रही हैं। तो एक सघन लाइन और एक विरल लाइन, यानी कि एक साल में ये दो लाइनें बनती हैं। तो इन दोनों लाइनों को गिन, एक साल में ये दो लाइनें बन रही हैं, एक सघन लाइन और एक विरल लाइन। तो इन लाइनों को ही गिन करके हम इस पौधे की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।